हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, ये इंस्टेंट लोन ऐप आपको 5 सालों से प्ले स्टोर पे है और 3 सालों से लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन का लिमिट यूज़ कर दिया, कहीं बिल पेमेंट कर दिया या फिर लोन ले चुके हैं और पर्सनल लोन अभी तक पेमेंट नहीं किया है और आप लोगों को डर लग रहा है कि क्या आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे और साथ ही में आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपका सारा डर खत्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन एक रियल RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और अगर आप इसे लोन लेते हैं तो वो लोन आपके सिविल में भी दोस्तों रिपोर्ट होता है। अगर आप इसका टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वही अगर आप लोग पेमेंट करने से फेल करते रहेंगे तो फिर आपका सिविल स्कोर लो होता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन वाले दोस्तों क्या करते हैं। तो ये एप्लीकेशन वाले आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करते हैं। अगर आपने अभी तुरंत इसे एप्लीकेशन से लोन लिया तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो गई होगी, लेकिन अगर आप लोग इसे 1 साल यदि 2022 में लोन लिए हैं तो फिर ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने 2023 में दोस्तों लोन लिया है तो फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल की जाती है, रेफरेंस नंबर पर कॉल किया जाता है और उन लोगों को भी काफ़ी परेशान किया जाता है। साथ साथ में आपको भी काफ़ी कॉल्स आएंगे, डेली मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप पे कॉल्स मैसेजेस आएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि आखिर उनको पेमेंट करना है कि पेमेंट नहीं करना है। मैं ज़्यादातर लोगों का सवाल देखता हूँ तो उन लोगों के मन में क्लियर नहीं होता है कि हम लोग पेमेंट करें या ना करें। तो सबसे पहले तो आप लोग को दोस्तों मन में अपने क्लियर कर लेना है कि आपको भले पेमेंट उसका करना है कि नहीं करना, तब आप ये वीडियो देखिएगा तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन वाले आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करेंगे। तो अपने दोस्तों मन में पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको इसका पेमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक कॉन्टैक्ट को कॉल करके कॉन्टैक्ट को धमकी देते हैं, उन लोगों को डराते हैं कि आपके किसी मतलब आदमी ने या रिलेटिव ने पैसा लिया है, अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया, उनको आपके बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे और साथ ही में ताकि आपके क्या हो सके, आपके दोस्तों बेइज्जती हो सके और इसी के मारे आप लोग इसका पेमेंट कर दें। तो ये दोस्तों इन लोगों का सबसे बड़ा खेला है जो ये लोग खेलते हैं, लेकिन ये RBI की गाइडलाइंस में नहीं है। अगर ये एप्लीकेशन वाले आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल ही RBI में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेप में ये लोग आपके ऊपर एक नोटिस दायर करेंगे। नोटिस आपके पास दोस्तों बाय मेल आएगा, बाय व्हाट्सअप आएगा और बाय पोस्ट, इन तीनों जगह से नोटिस आता है। और नोटिस देखते ही आपके हाथ पांव दोस्तों कांपने लग जाते हैं कि अब नोटिस आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है या फिर हाई कोर्ट में केस हो चुका है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है। लेकिन दोस्तों कोई केस वगैरह नहीं होता है, वो नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए भेजा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रू बैलेंस एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन लोन ऐप है और साथ ही में किसी इन्वेस्टर ने इस पे पैसा लगाया है और अगर आप उसका पैसा नहीं देंगे तो उस इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा और कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका पैसा डूबे। इसी वजह से वो लोग आपसे पैसा वापस लेना चाहते हैं, जो कि आपकी मॉरल ड्यूटी है वापस करना, लेकिन आप फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से कोई भी लोन लेने टाइम ये नहीं सोचता कि वापस नहीं करना पड़ेगा, सब सोचते हैं कि वापस कर देंगे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है जिस वजह से पेमेंट ना करने में कोई लोग असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो थर्ड स्टेप में आपके साथ ये रिकवरी एजेंट की धमकी देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे? तो इसी के साथ वीडियो को दोस्तों लाइक बिल्कुल कीजिएगा कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको धमकी दे सकते हैं कि रिकवरी एजेंट मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, परसों आपके घर आ रहा हूँ, पुलिस को लेके आऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन कोई रिकवरी एजेंट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे आपके घर पे आ जाएगा और घर पे आपको आके आपसे लोन मांगेगा। कोई भी किसी के दोस्तों घर पे जाता है तो रिकवरी एजेंट के साथ ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया है कि लोग मारपीट करने लगते हैं, उनको काफ़ी बाय से घायल कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी के गाँव में आके उसको बेइज्जत करे तो इतना किसी में दोस्तों हिम्मत नहीं होता, इसी वजह से ये लोग नहीं आते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने ट्रू बैलेंस लोन ऐप का लोन नहीं देना है या देना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से ज़रूर बताइएगा और साथ ही में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले डिटेल आप तक पहुँच सके। मिलेंगे वीडियो में।